जैसे कि आज हम आपको बताने वाले हैं बच्चों के लिए सिरप कौन कौन से होते हैं बच्चों के लिए कौन कौन से सिरप डॉक्टर के द्वारा किस प्रकार की समस्या में दिया जाता है इस सिरप का डोज क्या होता है ये सिरप किन किन रोग किन किन परेशानी जब बच्चों को रहती है तब इस सिरप का उपयोग करने के लिए डॉक्टर देते हैं इसे दिन में कितनी बार बच्चों को देना होता है ये सारी जानकारी आज हम आपको हिंदी में देने वाले हैं कौन सा सिरप किस प्रकार की बीमारी की, की समस्या में दिया जाता है जैसे कि हम पहले सिरप की बात करते हैं जो हमारा पहला सिरप है वह है एंटीबायोटिक सिरप ये मोस्टली डॉक्टर के द्वारा उपयोग में लाया जाता है यह सिरप है सिफेक्जिम सिफेक्जिम ओरल सस्पेंशन ये सिरप उस समय डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है जब बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है चलिए इस सिरप के यूज जान लेते हैं जैसे कि इस सिरप का उपयोग टाइफाइड फीवर की समस्या में किया जाता है और डायरिया की समस्या में उपयोग करने के लिए डॉक्टर देते हैं डायरिया के इस कंडीशन पर यह मेडिसिन दी जाती है पेंसिलिन से स्टेटअप डेवलप हो जाता है तब इस मेडिसिन का फेमस ब्रांड नेम है सेफी सेफी मेडिसिन ये इस मेडिसिन का काफी फेमस ब्रांड नेम है ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा चलिए अब हम आपको इसके डोज उसके बारे में बताते हैं यह सिरप बच्चों को पिलाना कैसे होता है छह महीने से लेकर के बारह साल तक के बच्चों में जो इसका डोज होता है आठ एम पर के पर डे के हिसाब से दिया जाता है जैसे की अब हम आपको अगला सिरप के बारे में बताते हैं जो हमारा अगला सिरप है मोक्सिकाइंड सी भी, ये एक एक प्रकार से एंटीबायोटिक सिरप होता है ये सिरप डॉक्टर के द्वारा काफी ज्यादा प्रेस्क्राइब किया जाता है इस सिरप का जो फेमस ब्रांड नेम है वो है मोक्सिकाइंड सीबी मोक्सिकाइंड सीबी इस मेडिसिन का काफी फेमस ब्रांड नेम है और यह मेनकाइंड कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है इस सिरप में जो साल्ट पाया जाता है वो हमारा है मोक्सिलीन एंड पोटेशियम क्लोवेंट पाया जाता है जैसे की इस सिरप का उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन में किया जाता है जैसे की टाइफाइड फीवर की समस्या में हुआ और जैसे की बॉडी में किसी प्रकार का इन्फेक्शन जैसे नोज हुआ था। रेट हुआ अपर रिस्पायरेटरी ट्रेक हुआ तो वहाँ पर जब इन्फेक्शन हो जाता है तब डॉक्टर के 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 द्वारा सीबी सिरप सिरप दिया जाता है बच्चों के लिए अब चलिए इस के हम डोज बारे में जान लेते हैं जैसे की चालीस से लेकर पैतालीस एम पर, केजी पर के पर डे के हिसाब से दिया जाता है बारह घंटे के अंतराल पर इसका डोज ये होता है जो हमने आपको बताया है जैसे की हम अगले एंटीबायोटिक सिरप की बात करते हैं जो हमारा अगला एंटीबायोटिक सिरप है वो है एजिथ्रोमाइसिन ये आपको 200 हंड्रेड एम जी के स्ट्रेंथ में और 100 एम जी के स्ट्रेंथ में मिल जाएगा ये सिरप भी एक प्रकार से एंटीबायोटिक होता है और ये काफी अच्छा फायदा करता है चलिए अब हम इसके यूज बता देते हैं बच्चों में क्या दिक्कत क्या परेशानी रहती है तब इस सिरप का उपयोग करने के लिए डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है जैसे की टाइफाइड फीवर यानी टाइफाइड बुखार की समस्या रहती है बच्चों को तब इसका उपयोग करने के लिए डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है नोज थोर यानी नाक में किसी प्रकार का इंफेक्शन हो गया या फिर गले में किसी प्रकार का इंफेक्शन हो गया तब भी डॉक्टर के द्वारा यह सिरप दिया जाता है और जैसे कि ब्रोंकाइटिस की समस्या बच्चों में निमोनिया की परेशानी में भी डॉक्टर के द्वारा यह सिरप दिया जाता है चलिए अब हम आपको इस सिरप के डोज के बारे में बता देते हैं बच्चों को कैसे पिलाना होता है टेन एम जी वन सी डेली लिया जा सकता है जैसे कि एक साल से नीचे बच्चे हैं तो उन्हें दस एम जी दिया जा सकता है और जैसे कि अगर बच्चा एक साल से बड़ा है तो उसे तीस एम जी डेली दिया जा सकता है ये सिरप जैसे कि अगला हमारा एंटीबायोटिक सिरप है सीफोडॉक्सिम फोडॉक्सिम सिरप काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यह सिरप डॉक्टर के द्वारा उस समस्या में बच्चों को पिलाने के लिए दिया जाता है जैसे कि अगर बच्चे को टाइफाइड फ़ीवर की समस्या रहती है तब यह सिरप पिलाने के लिए दिया जाता है और जैसे कि नोज नाक में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तब यह सिरप का उपयोग करने के लिए दिया जाता है और जैसे कि गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है तब डॉक्टर के द्वारा ये सिरप पिलाने के लिए दिया जाता है और जैसे कि अगर बच्चों बच्चे को निमोनिया की कंडीशन रहती है तब डॉक्टर के द्वारा ये सिरप पिलाने के लिए दिया जाता है चलिए अब हम आपको इसके डोज के बारे में बता देते हैं कैसे बच्चों को पिलाना होता है जो इसका डोज होता है पाँच एम पर के पर डे के हिसाब से इसका डोज होता है जैसे कि अगला सिरप है हमारा एस्टोरायड सिरप यानी एस्टोरायड सिरप जो होता है ये सूजन को कम करने के लिए दिया जाता है जैसे कि इस सिरप का फेमस ब्रांड नेम है जो ओमना कार्टिल सिरप बात करते हैं इसमें कौन सा सॉल्ट पाया जाता है जैसे कि इसमें पाया जाता है पेडनी सोलान एंड फॉस्फेट चलिए अब हम आपको इस सिरप के यूज़ बता देते हैं कहाँ किस प्रकार किस बीमारी की समस्या में यूज़ किया जाता है जैसे कि अगर किसी को अस्थमा की बीमारी रहती है तब इस सिरप का उपयोग करने के लिए डॉक्टर देते हैं जैसे कि बच्चों में अस्थमा की कंडीशन रहती है तब इस सिरप का उपयोग करने के लिए दिया जाता है या फिर बच्चों में एलर्जी का रिएक्शन रहता है तब उस समय यह सिरप दिया जाता है जैसे कि अर्थराइटिस की समस्या हो और जैसे कि बच्चों में खांसी आ रहा हो या फिर बॉडी में किसी प्रकार का सूजन हो गया हो तो उसे ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है चलिए अब हम इस सिरप के डोज के बारे में बता देते हैं बच्चों को कैसे पिलाना होता है जैसे की अगर बच्चा दो साल से छोटा है तब उसे बीस एम पर डे के हिसाब से दिया जाता है और जैसे की बच्चा तीन साल से लेकर पांच साल तक का है तो उसे तीस एम पर डे के हिसाब से दिया जाता है ये सिरप जैसे की अगला सिरप है हमारा डेफेल्जा कार्ड डेफेल्जा कार्ड सिरप ये काफी फेमस ब्रांड नेम है इस मेडिसिन का नाम आपने सुना भी भी होगा सिरप सिरप उसी की तरह वर्क करता है भी क्योंकि एक मेडिसिन है इसका उपयोग अस्थमा की समस्या में किया जाता है एलर्जिक रिएक्शन की समस्या में किया जाता है अर्थराइटिस की समस्या में किया जाता है और जैसे की बॉडी में किसी प्रकार का सूजन हो जाता है तो उसे ठीक करने के लिए सिरप का उपयोग किया जाता है डॉक्टर इस सिरप का उपयोग और भी कई जगह यानी कई प्रकार की बीमारियों में इस सिरप का उपयोग कर चलिए अब हम आपको इसके डोज के बारे में बता देते हैं जीरो पॉइंट नाइन एम जी पर के जी वन सी डे के हिसाब से यह सिरप दिया जाता है जैसे कि अगला सिरप है हमारा पेन एंड फीवर जो दर्द और बुखार को कम करने के लिए डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है पैरासीटामॉल का ओरल सस्पेंशन ये सिरप बच्चों में दर्द और बुखार को ठीक करने के लिए दिया जाता है जैसे कि इस सिरप का जो डोज होता है यह सिरप बच्चों को पिलाना कैसे है तो ये सिरप पंद्रह एम जी पर के जी चार से लेकर छः घंटे के अंतराल पर दिया जा सकता है जैसे कि अगला सिरप है हमारा एसिक्लोपेरासिकलोपेरा सिरप दर्द और बुखार की समस्या रहती है बच्चों को तभी यह सिरप दिया जाता है और जैसे कि इस सिरप में एसाइक्लोफेनिक पैरासीटामॉल पाया जाता है साइक्लोफेनिक का काम होता है दर्द को कम करना और पैरासीटामॉल का काम होता है बुखार को कम करना तो इसमें इस सिरप में दो साल्ट पाया जाता है ये सिरप दर्द और बुखार की समस्या में दिया जाता है यानी दर्द और... दर्द और बुखार की समस्या में दिया जाता है जैसे कि अब हम इस सिरप के आपको डोज के बारे में बता देते हैं जैसे कि सिरप का जो डोज होता है यानी 10 से लेकर 15 एम पर के जी चार से लेकर 6 घंटे के अंतराल पर दिया जा सकता है जैसे कि अगला सिरप है हमारा आइबोजेसिक प्लस आइबोजेसिक प्लस में जैसे कि आइब्रोफेन एंड पैरासीटामॉल पाया जाता है ये सिरप दर्द और बुखार की समस्या में दिया जाता है जैसे कि बच्चे को अगर बुखार रहता है तो जाहिर सी बात है उसके शरीर में दर्द भी रहता है तो इन दो समस्या में इस सिरप का उपयोग किया जाता है चलिए अब हम आपको इस सिरप के डोज़ के बारे में बता देते हैं जैसे कि यह सिरप बीस लेकर तीस एम पर के जी बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है यानी पंद्रह पंद्रह एम करके यानी पंद्रह एम सुबह पंद्रह एम शाम को करके या डिवाइडेड डोज में ये दवा दिया जाता है ये दर्द और बुखार दोनों को कम करता है जैसे कि अगला सिरप है हमारा स्पास सिरप ये सिरप बच्चों में काफी ज्यादा उपयोग किया जाता है जैसे कि अगर बच्चों में स्टमक पेन की समस्या रहती है जैसे कि किसी भी प्रकार का दर्द हो जैसे कि कोलिक पेन हो एबडोमल पेन हो या फिर इंटरनल कोई पेन हो रहा है बच्चों में जैसे कि बच्चों के पेट में काफी ज़्यादा दर्द होता है बच्चे हमेशा रोते रहते हैं और जैसे कि वो बता नहीं सकते तब ये सिरप का उपयोग किया जाता है यानी स्टमक पेन से रिलेटेड कोई भी दर्द रहता है तो उस समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये सिरप बच्चों के लिए दिया जाता है अब हम इस सिरप के डोज के बारे में जान लेते हैं जैसे कि जो इस सिरप का डोज होता है बीस एम पर के बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है और जैसे कि यह डिवाइडेड डोज में करके दिया जाता है या जैसे कि डॉक्टर बच्चे की स्थिति और उसके कंडीशन को देखते हुए डिवाइडेड डोज करके पिलाने के लिए बताते हैं इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर या फार्मासिस्ट से संपर्क करके दवा लें कोई भी इंजेक्शन कोई भी दवा आप अपनी मर्ज़ी से ना लें